गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग कर दो सबको, सबको गोदी ले लू। बस गोदी लेना चाहते हो आप चाहते हो मैं गोदी ले लू, बस गोदी ले लू आपको। लड़की चाहती है गोदी लेना, इसको हम गोदी ले ले, गोदी ले लो हमें। हे गाइस, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। बस यहाँ वेट का दिन है तो वेट कर रही थी, वेट है 115। ये ब्लॉग तो आपके पास पहले ही आ चुका है मेरे इंच अपडेट और वेट अपडेट का, तो बस यहाँ पर मैं आपको वही बता रही हूँ। एंड इसके बाद हमने किया नाश्ता, तो नाश्ते में भैया लेकर आए थे हम सब के लिए ढोकले, तो एक एक पीस सबने ढोकला खाया। मतलब एक हाई प्रोटीन अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ हमने अपने दिन की शुरुआत करी। मंगवाया है चश्मा और मैं दिखाती हूँ चश्मा। पापा आप हीरो बनोगे बुढ़ापे में, हैं? बुढ़ापा तेरे को, मेरे को काहे को बुढ़ापा? रेड कलर में नहीं है ये। भाई अपन शूट कर रहा है यार, सीरियसली अपन शूट कर रहा है। पापा आप पहन के दिखाओ, पापा दिखाओ, पापा दिखाओ ना यार। ओहो कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, इट सूट्स मी और नॉट? भाई बताओ ना मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं। मैं अंधी हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मुझ पे कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। गॉगल्स है, गॉगल्स मैं अपने वो लेंसेज लगा के ना इसको लगाऊंगी धूप में। पापा मेरे पे कैसा, पे कैसा लग रहा है? और भी आप पे भी बहुत सूट कर रहा है, ये सब पे सूट कर रहा है भैया ये चश्मा। मैंने वही देखा। हाँ पापा आप दिखाओ। ओ पापा मेरे हीरो बन के घूमेंगे। अब उसके बाद हमने तैयारी करी ब्रेकफास्ट की। प्री ब्रेकफास्ट हमने एक एक पीस सिंगल सिंगल हमने ढोकला खाया था, तो अभी बना है पाव भाजी। आप ब्रंच कह सकते हो, ब्रेकफास्ट कह सकते हो, क्योंकि ये बनाया था हमने अपने ब्रंच में, तो पाव भाजी रेडी है और सब नाश्ता कर रहे हैं। सुबह सुबह एक ढोकला खाया था, दो पीस ढोकले के, अब ले रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट पाव भाजी। फुल एंजॉय इन डैडीज होम। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर भाभी के रूम में और भाभी ने करा एक हैक। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो गाइस, वेट लॉस करने की वजह से जो मेरे पहले गर्दन वगैरह सब, गर्दन और एक एक चेस्ट और ऊपर का डबल चिन सब एक हो जाता था, लेकिन जैसे ही मैंने वर्कआउट करना शुरू किया है या डाइट करनी शुरू करी है तो इस चीज़ में एक डिस्टेंस आया, और जिसकी वजह से ना डिस्टेंस में मतलब एक गैप आया है और अब मेरी गर्दन अच्छे से दिखने लगी है। तो जिसकी वजह से जो चिपकने की वजह से जो कालापन गर्दन में आ रहा था वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा था। तो हमने यूट्यूब पे देखा था एक वायरल हैक जिसमें कॉलगेट से मतलब बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया था गर्दन को। तो यहाँ मेरा पूरा मैंने कॉलगेट लगाया है गर्दन पर और इसको अभी 5 मिनट के लिए हम सूखने के देंगे। तो बस इससे पहले मेरा ब्रदर इतने ज़्यादा मतलब देखो मजाक बना रहा था इस वायरल हैक का, भी दिखाती हूँ आप सुनना उसकी बातें। हे गाइस देखिए, मेरी बहनी गर्दन पे क्या लगा रही है, कॉलगेट। ये हम पे ब्रश करने के लिए नहीं है और ये गर्दन पे लगा रही है। देखिए मैं तो सोच रहा हूँ कल से हम क्या करेंगे नमक और सरसों तेल का इसलिए मैं अपनी वाइफ को पहले ही बोला था कि कॉलगेट मत खरीदो, कोयला ले आओ, कोयला से करा करेंगे सो गाइस, जैसे ही ये सूख गया हमने लिया आधा नींबू, उसमें डाला हल्दी और उससे अच्छे से इसकी मसाज की। सो गाइस, हमने ये वाइप से साफ कर दिया है, वाइप से अच्छे से साफ किया है और अब मैं इसको नहा के आती हूँ और आपको क्लियर विजिबल लगेगा कि आपने पहले भी देखा कि क्या था और अब आप देखोगे क्या है। और कोई भी चीज एक दिन में मेरे ख्याल से इतना असर नहीं दिखाती, अगर उसको रेगुलर करो तो वो।
भाभी क्या लग रहा है आपको? सांप लग रही है। सांप लग रही है ना? तुमने सर नहीं धोया ना? सर मैं कल धोऊंगी ना, सोमवार का। एक्सपेरिमेंट थोड़ा थोड़ा कामयाब है। अगर हम महीने में 4 दिन करेंगे, मतलब हर संडे आप कर लो, एक वीक में एक बार, तो ये कामयाब हो जाएगा। मैं ले रही हूँ लंच में पपीता। वैसे बनाए हैं चावल चने दाल के पुलाव, बट मैं ले रही हूँ पपीता अभी। मैं पुलाव नहीं खाऊंगी, ये रे पुलाव। सो गाइस, ये टाइम हो गया है शाम का टी टाइम, फैमिली टाइम। तो सारे बस चाय, नाश्ता और सारा परिवार एक साथ इकट्ठा है। पापा, भाई, भाभी, मतलब सारी फैमिली एक साथ इकट्ठा है। और जब फैमिली इकट्ठा होती है तो इतनी सारी बातें होती है, इतनी पुरानी बातें, बचपन की यादें और बाकी सब कुछ, और हंसी मजाक। एक एक टाइम था जब हम भाभी सब फैमिली की पुरानी पुरानी बातें निकाल के एक दूसरे की शादी की, एक दूसरे के बचपन की, और यहाँ पापा अपने किस्से सुना रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। तो बस ये टाइम, ये माहौल जो होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आज का टाइम है, और एक टाइम वो भी था जब हम छोटे छोटे थे बचपन का। तो मतलब सीरियसली भाई पापा हम सब मजाक कर रहे हैं। हम यहाँ पर वही सब बातें भी चल रही है कि पापा आपने हमें कैसे बचपन में मारते थे, डांटते थे, या कैसे हमने पढ़ाई करी, आज हम अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारी बातें सारी निकल रही थी और बहुत एक अच्छा क्वालिटी टाइम हम सब ने फैमिली ने मिलकर साथ में बिताया। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라. 뭐 하러? So guys, चल रही है डिनर की तैयारी। तो आज हमारी भाभी हमें खिला रही है हमारा ट्रेडिशनल फूड। As you all know, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और मैं घर आऊँ तो एक है एक टाइम तो मैं जरूर खाती हूँ अपना सत्तू। तो सत्तू की कचौड़ियाँ गर्मा गर्म बन रही हैं, साथ में बन रही है बैगन का भरता, और साथ में मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। वहाँ भाभी लगे हुए हैं। ये रहा हमारा सत्तू, ये रहा सत्तू, जो फिलिंग है वो बन चुकी है। बैगन का भरता पक गया है, यहाँ पर तैयारी हो रही है। वहाँ पर भाभी बना रहे हैं सारा बैगन का भरता। मामी को दिखाओ, चलिए। तो गाइस, यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है कचौड़ी की, और यहाँ पर ऐसे बना के लोई रखी जा रही है, और यहाँ पर किचन में भाभी बना रहे हैं इसको फ्राई। सत्तू की कचौरी और बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी। बताइए पापा जी कैसी? दुरू कैसी है बेटा? आपने तो खाई नहीं है। देखो मेरे बेटे ने पास कर दिया। हाँ जी बताइए। सही मजा। और अब टर्न है हमारे डिनर की। तो मैं, भाभी, हम तीनों सारे बैठ के आराम से यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। बहुत टेस्टी बनाए गाइस। तो खाना वाना खा के हम सब निकल के आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए, अपनी गली में ही, अपनी सोसाइटी की गली में ही हम लोग वॉक कर रहे थे अपने घर के सामने। तो भाभी और मैं दोनों भाग वॉक कर रहे हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, भैया वगैरह अपना ग्रुप में बातें कर रहे हैं, तो बस हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो गाइज, ये था मेरा मायके का सेकेंड डे, और बहुत अच्छे से हमने इस पूरे दिन को बिताया फैमिली के साथ। एज यू ऑल नो मेरी रूटीन कैसी है, और कुछ वक्त जब ऐसे हमें अपने वाली फैमिली के साथ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड सीरियसली हमने बहुत इन्जॉय किया अपनी फैमिली के साथ। इनफैक्ट मैंने बहुत इन्जॉय किया बहुत सारी बातें, और जो मन करता है जब मैं घर आती हूँ, क्योंकि देखिए सबका ना फूड चेंज हो जाता है जब अपने ससुराल में जाओ और अपने मायके में, जो खाने का तरीका अलग होता है। तो जब मैं मायके आती हूँ तो अपनी पसंद का जो मन करता है वो खाती हूँ। एंड बस
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ।